सबसे पहले तो गन पे डन, गन पे मतलब गन किसके ऊपर होने वाली है और क्या काम करवाने वाले हैं गन पे? गन पे डन हो रहा है इस पिक्चर के अंदर, ये कॉमेडी पिक्चर है, इसमें गन पे डन हो रहा है। कुछ जो हैं वो हूज माफिया के लोग अपना हरियाणा यूपी साइड से गन लेके यहाँ गलत पते पे पहुँच गए हैं और यहाँ क्या क्या होता है और किस तरीके से होता है, क्या होता है, वो फिल्म में है। कॉमेडी फिल्म है और यह है 12 तारीख को रिलीज। आपका जो किरदार है हमेशा से एक नया फ्लेवर लेके आते हैं आप किरदार लेके, थोड़ा सा बताइए किरदार के बारे में और क्या ब्रीफ था डायरेक्टर? शर्गिल एक्टर है, जैसा था कि भाई फिरोज खान साहब का फैन है और उनकी तरह कपड़े पहनता है, उनकी तरह ड्रेसअप करने की कोशिश करता है, उनकी तरह बात करने की कोशिश करता है और सबको लगता है कि बहुत बुरा कॉपी कैट है ये। और कुछ लाइफ में जैसे होता है ना कि जल्दी से जल्दी कुछ हासिल कर जाऊं और कुछ बन जाऊं और ऐसा नहीं, लेकिन कहीं फिर भी अंदर का एक ज़मीर जो है वो कहीं किसी कोने में होता है, मतलब उस टाइप का कैरेक्टर है। काफ़ी एंसेंबल कास्ट है, विजय राज जी, हाँ सब कॉमेडी के बात हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सब एक दूसरे पे चढ़े हुए थे सब बढ़िया एक्सपीरियंस था, मज़ा आया, हंस हंस के पागल हुए। हमने देखा आपने ऑलमोस्ट हर जॉनर में काम किया, ऐसा कोई जॉनर है जिसमें जिनमें खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग लाइट हार्टेड कॉमिक फिल्में करें, मज़ा आए। अभी जो 2018 और 19 में ऐसी बहुत सारी फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर भले मतलब ज़्यादा बिजनेस तो नहीं किया लेकिन जो है कम बजट की थी और अच्छा बिजनेस अच्छा किया, तो कंटेंट को लेके क्या कहना चाहेंगे सर? कंटेंट तो देखिए कंटेंट बहुत अच्छा अभी निकल रहा है, बहुत ऑडियंस जो है वो एक्सेप्ट भी कर रही है, कुछ भी इंटरेस्टिंग आप लेके आ रहे हैं तो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन ऑडियंस को पता भी तो होना चाहिए ना कि इस तारीख को ये चीज़ निकल रही है, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आपकी पिक्चर बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन अगर ऑडियंस को पता ही नहीं कि आपकी पिक्चर लग रही है अच्छी पिक्चर तो कैसे पता लगेगा उनको, करेक्ट है सर? इसके अलावा जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोच रहे हैं दिनों, तो ये कितनी खुशी की बात है? जैसे कि आपको हमने देखा है कि हर हमेशा हमेशा आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने किरदार को लेकर, तो अच्छा है, जितने लोग मिल बैठ के खाना खाएंगे उतना और अच्छा होगा, खूब मिलेगा रंग। ओके, लास्टली कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? बहुत ही जल्दी फिल्म रिलीज होने, ऑडियंस को यही है कि अगर कॉमेडी रियलिस्टिक टाइप ऑफ कॉमेडी का आपका आपको मज़ा आता है तो आप जरूर जाके देखिए गन पे डन और हो जाइए गन पे डन। ओके सर, थैंक यू सो मच। पहले तो एज अ कैप्टन ऑफ द शिप सर, गन पे डन क्या होने वाला है ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बताइए, और उसके बाद जो स्टारकास्ट है ऐसा लगता है कि पूरी परफेक्ट ही है स्टारकास्ट, सबसे पहले फिल्म की कहानी के बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए सर। एंसेंबल कास्ट है और गन पे डन होने वाला है, गन पे डन नाम है तो गन पे डन होने वाला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास लाठी होती है उसी की भैंस होती है ना, तो वही स्टोरी है। हूच माफिया हैं हरियाणा के और पहुंच जाते हैं, उनको प्यार हो जाता है कमाची को, संजय मिश्रा के राइट हैंड को, और वो पहुंच जाते हैं मुंबई और बोलते हैं बस हमको चाहिए रजिया। रजिया किसी की गर्लफ्रेंड होती है, जिमी शेर की गर्लफ्रेंड होती है, और यही कहानी है और आगे आपको देखना पड़ेगा थिएटर में, मजा आएगा आपको देखे। ओके, मतलब ये जो पूरा खेल है पूरी रजिया के ऊपर, हाँ उसको सारा खेल जो है जो मुन्ना गेम करता है, और मुन्ना कौन है आपको मालूम है? मुन्ना ये है, ऐसा गेम करते हैं सबको घुमा कर रख देते हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता गेम कौन कर रहा, अंदर से सारा गेम मुन्ना कर रहा है। कमाची तो कर ही रहा है लेकिन कमाची का ये बाप है मुन्ना, और मुन्ना प्ले कर रहे हैं हमारे पंकज जी इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर, इनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे एक्टर हैं। और म्यूज़िक रिमी जी ने दिया हुआ है, लिखा सावेरी जी ने है। सर जैसे सर ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन तो दे दिया आपका सर, थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा सर, कैसे ब्रीफ किया करते थे और कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे लगा ही नहीं कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मतलब कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं था और मैं प्रेशर में मैं कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, अगर प्रेशर रहता है तो मुझे मेरे अंदर से जो चीज़ें नेचुरली निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है, उसके लिए अभिक जी ने मुझे काफ़ी स्पेस दिया, तो मतलब सीन में कितना बेहतर सीन को बनाया जा सकता है, उसमें क्या क्या संभावनाएं मतलब निकाली जा सकती है, उसको और कितना मतलब मज़ेदार और मतलब इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है,
तो ये मुझे पूरा स्पेस अभिक जी ने दिया, तो जिसके लिए मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ. नॉर्मली बहुत कम लोग, नॉर्मली डायरेक्टर डायरेक्टर के करेक्टर में ही रहते हैं सेट पे. मैं कुछ बोलूँ? जी जी सर. ये इनका जो है, अगर इनको पकड़ लिया ना तो गया, और इनको छोड़ दिया तो कमाल कर देते हैं. मतलब इतना कमाल करते हैं इनके, जो जब ये इम्प्रोवाइज करते हैं तो उसके जो लाइंस हैं वो मेरे नहीं हैं, रजिया है कि भजिया है. और दूसरा जो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लोग पसंद करते हैं कि रजिया है कि भजिया है, वो इनका लाइन है. दूसरा, तेरे को भूल जाती है सब कुछ, बादाम खाया कर, ये इनका लाइन है. ऐसे ऐसे पंचेज, और इतना अच्छे, मतलब वो एक लाइन बोलना और एक आर्ट से बोलना, वो इनकी बहुत बड़ी खासियत है. अगर इनको छोड़ दिया कि आप कुछ करो, बस जितना इम्प्रोवाइज कर सकते हो करो, तो कमाल करते हैं. सर जैसे हमने ट्रेलर देखा, उसके अंदर जैसे सर ने जिक्र किया रजिया की भजिया, वो सबसे ज्यादा कैची लाइन है ट्रेलर में, तो कैसे, जैसे सर ने बताया कि आपने मतलब इम्प्रॉम्प्टू, वो मुझे मेरे फीडबैक में ये थे, अपना अभिक जी थे, इन्होंने मुझे छोड़ दिया था. उन्होंने कहा था कि जहाँ आपको जगह मिलता है, जैसे भी आपको लगता है पंच डालने का, तो आप मेरी तरफ से पूरी तरह से आप फ्री हो. तो वो नेचुरली निकला था, स्पॉन्टेनियस निकला था. वहाँ पे एक सीन है जिसके लिए हम सब लोग, मतलब मुझको नॉर्मली मैंने जो फिल्में करी हैं थोड़ा सा वो डार्क साइड वाला किया है, गुलाल, ब्लैक फ्राइडे, उस तरह के थोड़ा बदमाश टाइप कैरेक्टर किया है. तो मैं एक कोरियोग्राफर प्ले कर रहा हूँ जिमी तारा के साथ. तारा के साथ ओ, कमाल है. तो हम लोग सब डरे हुए थे, मतलब मैं तो नहीं डरा हुआ था, लेकिन सब लोग डरे हुए थे कि पता नहीं ये सीन कैसे होगा कि नहीं. कोरियोग्राफी वाला सीन है, आपको कोरियोग्राफ करना है, आपको डांस करना है. तो मैं बोला कि लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. लेकिन वो सीन बहुत ही बढ़िया हुआ, हमने बहुत इंजॉय किया. कमाल, इन्होंने जो डांस किया, ओ हो, सब लोग सेट पे, सब लोगों को मतलब यकीन नहीं, मतलब लग रहा था कि, मतलब मुझे खुद भी नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर वो सीन होगा. बहुत ही प्यारा सीन हुआ है वो, बहुत ही, मतलब मेरे लिए ऐसे डायरेक्टर चाहिए इंडस्ट्री में जिनके पास निगाह होती है कि किस एक्टर में कितना वो बात है, उसको कितना आप स्पेस देते हैं. अदरवाइज मतलब लोग अपने ही धुन में रहते हैं, किसी के पास इतना मतलब फुर्सत नहीं होता है कि निगाह हो, कि मतलब सही आँख हो जो पहचान सके मतलब चीज़ों को. जी सर, इतनी बड़ी एंसेंबल्स कास्ट को एक साथ लेके आना कितना इजी या डिफिकल्ट था आपके लिए, और ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था? क्योंकि जिमी शेरगिल जो है एक अलग अंदाज में अपना काम करते हैं, विजय राज जी एक अलग अंदाज में काम करते हैं. कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑन सेट, और कैसे मतलब क्या होता था सेट पर? मजा करते थे बस सब, क्योंकि ये लोग एक्टर्स नहीं हैं, ये लोग परफॉर्मर्स हैं. आप पंकज जी हैं, संजय मिश्रा हैं, विजय राज हैं, जिमी शेरगिल, इस ये लोग ना, इनके अंदर जो बात है वो, ये लोग, इनको बोलना कि आप आर्टिस्ट हो या एक्टर हो, ये लाइन दिया हुआ पढ़ दीजिए, वो लोग उसके रेंज से बाहर जाते हैं. जो डायरेक्टर का एक रेंज होता है, जो सोच होती है कि ये लोग ऐसे परफॉर्म करेंगे, उसके रेंज से बाहर जाते हैं. और उसके बाद वो जो परफॉर्मेंस आता है उसको देख के एडिट रूम में, मैं तो बहुत ही मतलब कायल हो गया. मतलब ये मतलब मैं, आई एम वेरी हैप्पी विद द कास्ट. और कभी भी सेट पे किसी ने कोई भी ऐसा टेंशन नहीं दिया, सब लोग रिलैक्स वे में काम किया, सब लोगों ने बहुत, सब लोगों ने एंजॉय किया. फिल्म बना रहे हैं, कॉमेडी है, तो सब लोग हंस रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे. म्यूज़िक बहुत अच्छा है, रिमी जी का म्यूज़िक तो बहुत अच्छा है, मतलब शी इज़ वेरी टैलेंटेड. एंड सावेरी जी ने लिखा है, तो सावेरी जी के गाने तो मैं तो उनको पहले दिन गुलजार साहब से कंपेयर किया. या शी इज़ वेरी टैलेंटेड. राइट, जैसे आपने म्यूज़िक की बात करी दी है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे गाने हैं. जैसे हमने थोड़े से गाने यहाँ पर भी देखे, हमने क्या कहना चाहेंगे, क्या थॉट प्रोसेस था और सर का क्या बीफ था गाने के पीछे? क्योंकि कुछ सोलफुल गाने भी देखने मिले, कुछ आइटम नंबर्स भी देखे, तो मतलब मिक्सचर है म्यूज़िक का. करेक्ट, एक्चुअली बहुत ही कमर्शियल गाने बनाने हैं, क्योंकि कमर्शियल फिल्म है, ये सोच के हमने गाने बनाए थे सारे तीनों. और रोमांटिक भी हमने ऐसा मतलब नहीं कि हमने एकदम एक्सपेरिमेंट कर दिया, हमने कहीं कोई एक्सपेरिमेंटल काम नहीं किया, हमने सिर्फ दिल वाला काम किया है जो ऑडियंस को ईजीली समझ में आए और चढ़ जाए उनके ज़बान पे. तो और ये पॉसिबल भी है अभिक सर की वजह से, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव छूट देते हैं. जैसे एक्टिंग में
सबको दिया. वैसे हमारे को भी मतलब कभी उन्होंने बांधा नहीं है कि ऐसा नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए. ही वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव टू अस. फिल्म का जो म्यूजिक है लोगों तक पहुंचना और उसको कनेक्ट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. और जो सोलफुल गाना था मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑडियंस को कनेक्ट करेगा वो गाना. बिल्कुल, तो बिल्कुल. वो गाने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताया कैसा एक्सपीरियंस रहा. हम लोग का ग्रुप है ये पूरा. जो भी हम इस फिल्म में जितने भी म्यूजिशियंस हैं हम सारे दोस्त ही हैं. और जब भी हम कुछ गाना बनाते हैं हम सारे इकट्ठा होते हैं. मतलब एक एक इंसान जो इसमें राइटिंग से लेके म्यूजिशियन जो भी होंगे वो सब रिलेटेड जो है हम साथ में बैठते हैं, हम साथ में बनाते हैं. इट कैन नॉट बी जस्ट माय सोलो वर्क. इट इज़ कम्प्लीटली अ टीम वर्क. जैसे सर की टीम है वैसी हम सब टीम है म्यूज़िक में. तो इट वॉज अ वेरी ऑफकोर्स आई रिमेम्बर कि रात के टाइम में हम लोग सब एकदम इकट्ठा हुए बैठे हैं और सब ने अपने अपने इनपुट्स दिए हैं इस गाने को लेके. एंड दैट्स व्हाई इट बिकेम सो टची. मतलब मुझे जो भी कहता है ये गाना सुन के कि ये टची है काफ़ी गाना. सो आई रिमेम्बर इट वॉज नाइस. सो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कौन इंस्पिरेशन है आपका फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री? एक्चुअली सब में सीखने के लिए सब में खुद सबकी स्टोरी है खुद की ना, अपनी अपनी जर्नी है. किसी को स्पून फीडेड भी है या किसी की खुद की एकदम स्क्रैच से लेके उन्होंने चालू किया है. तो आई थिंक सबसे इंस्पायर होना चाहिए कि जो वहाँ पहुँच गए हैं वो वहाँ पे कैसे सस्टेन कर रहे हैं. और जो पहुँच रहे हैं जैसे मैं अभी अपनी जर्नी शुरुआत की हूँ और कई लोग जैसे शुरुआत के दौर में है अपने वो जैसे पहुंच रहे. हर एक से इंस्पिरेशन मिलती है मुझे. तो ऐसा कोई पर्टिकुलर वैसा कोई है नहीं. बट मैम आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल फिल्म का. और जैसे मैंने कहा कि गाने लोगों को बहुत कनेक्ट करे, तो कैसे सोचा आपने और ये पूरा कैसे मतलब इतना अच्छा म्यूजिक बना? हमारी इस पूरी फिल्म की जर्नी में जो तीन गाने हैं उसमें से आई बिलीव कि दो गाने ऐसे थे जो पहले लिखे गए और फिर रिमी ने उसको कंपोज किया. और एक गाना ऐसा था जो कंपोज्ड था और उस पर मैंने लिखा. तो ब्रीफिंग वो इतनी अच्छी जब ब्रीफिंग आपकी होती है कि हमें इस सीन में ऐसा ऐसा दिखाना है. और फिर सारे लोग आपके फ्रेंड्स होते हैं. जैसा अभी पंकज सर कह रहे थे कि जब प्रेशर में वो काम नहीं हो पाता जो फ्रेंड्स और खुला छोड़ देने पर होता है. तो एग्जैक्टली ऐसी हुआ कि सब दोस्त साथ बैठ के जैम कर रहे हैं तो उसमें आपका बेस्ट निकल के आना है ही. मतलब उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है. प्लस अभिक सर के कुछ इनपुट्स रहे हैं गानों में. जो डंके की चोट पे जो हमारा गाना है गन पे डन का टाइटल ट्रैक, उसमें इनके बहुत ही क्रिएटिव इनपुट्स रहे. एक उसमें लाइन आती है साड़ी 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 नारी नारी, साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी. तो वो इनका ओरिजिनल थॉट है. तो उन्होंने बोला आप इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते. तो आई डिड दैट. तो ऐसे इनपुट्स मिलते रहे लोगों से और इट वॉज रियल फन. इसका जो इसका आइटम नंबर है गर्लफ्रेंड गाना मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है. और वो ऐसा हुआ था कि वो जब मैंने लिखा मुखड़ा लिख के मैंने रिमी को दिखाया कि दिस इज़ व्हाट आई हैव थॉट. मेरे ख्याल से उसने कुछ 2.5 मिनट लिए होंगे उसको कंपोज करने में. और अभी भी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इन लिरिक्स के लिए, इन सेट ऑफ लिरिक्स के लिए इससे अच्छी कंपोजिशन पॉसिबल नहीं थी. तो शी इज़ वेरी क्रिएटिव वेरी टैलेंटेड. तो ऐसे जुड़ के काम होता चला गया एंड रिजल्ट आपके सामने. राइट, जैसे आपने कहा कि म्यूजिक में बहुत सारे लोगों के इनपुट है, सर का भी इनपुट है. हाँ. तो किस तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग होता था? मतलब कोई चीज ऐसी भी होगी जब आप एग्री ना हो म्यूजिक डायरेक्टर का कुछ और इनपुट तो कुछ हाँ. अगर ऐसा कुछ शेयर करना चाहे आप लोग अगर हमारी ऑडियंस के साथ. हमारी टीम मतलब जो इन सर की टीम में और एक दो लोग थे जो गर्लफ्रेंड गाने के सख्त खिलाफ थे. और शुरू ही ऐसा होता कि नहीं ये सॉन्ग नहीं. और सर वॉज लाइक वेरी एडमेंट कि नहीं ये गाना तो मुझे चाहिए है. और फिर उस गाने में हमने और आगे इनके इनपुट्स रिमी मैं हम सब जैम करते थे. वी यूज़ टू जैम टुगेदर. फिर रात में सर यूज़ टू कम फिर हम साथ में बैठ के उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे. बट ही वॉज वेरी ईजी टू अस. मतलब ऐसे कोई हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं दी है या ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए. अगर उनके ब्रीफ पे वो गाना फिट होता है तो दैट सॉन्ग इज़ इन. हमारे साथ ये सी ऑनेस्टली स्पीकिंग म्यूज़िक में मुझे म्यूज़िक का कोई ज़्यादा समझ नहीं है. तो मैं मुझे लगता था ये सही है तो मैं इनको पूछता था कि ये ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है. और मैं सीखने की कोशिश करता था क्योंकि म्यूज़िक एक अलग एरिया है, ओशन है, महासागर है. उधर अपने को कुछ समझ में नहीं आता है. हम लोग फिल्म मेकर्स हैं बट
कभी लगता था तो हम रिमी को या सावेरी जी को पूछ लेते थे कि कैसा लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है। बाकी उनका फाइनल कॉल मैंने हमेशा से अपने म्यूज़िक डायरेक्टर्स को, मैंने जतिन जी के साथ भी काम किया, जतिन ललित जी के साथ भी, तो उनका ही होता है। तो और बहुत अच्छा, बहुत टैलेंटेड है रिमी और सावेरी, और इनकी जोड़ी बहुत, ईश्वर करे और आगे जाए और अच्छा काम करें। मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि एक दिन पे बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होने वाली है, तो उसको लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं आप अपने प्रोडक्ट को लेकर? देखिए, अच्छी फिल्म होती है ना, पब्लिक उसको ही देखने जाती है। और आज जब बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म है ना, तो उनको कॉमेडी ही चाहिए। और ये फैमिली इंटरटेनर है, तो लोग जाएंगे देखेंगे। हमारी फिल्म अगर अच्छी नहीं हुई तो लोग दूसरी फिल्म देखेंगे। फिल्म का सही होना, उसकी क्राफ्टिंग सही है, वो कनेक्ट करती है, आपको हंसाती है, मैसेज देती है, तो चलती है। आपकी 12 फिल्में हो या 24 फिल्में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि हमारी फिल्म को लोग देखेंगे और अंदर जाएंगे, देखेंगे, इंजॉय करेंगे। और फिल्म का बेसिकली क्या होता है, हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, हम, आप, हमारी टीम, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो हम लोग बहुत, हमारे लिए हमारा बच्चा होता है तो हम लोग बहुत सीरियसली। ऑडियंस को अच्छी लगती है या बुरी लगती है, उनको 2 घंटे वो एंटरटेन होते हैं तो फिल्म अच्छी है, एंटरटेन नहीं होते हैं तो बोलते हैं डायरेक्टर सो रहा था। सिंपल।